हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रूपम। तो चलिए मैं दिखाऊंगी आपको आज एग्लोनीमा का प्लांट। ये और बहुत सुंदर सा प्लांट है ये। देखिए, मैं दो प्लांट खरीद के लेके आई थी और ख़रीदने से मुझे बहुत टाइम हो गया, मतलब एक हफ्ता होता होगा। मैं रिपोर्टिंग नहीं कर पाई थी और ला करके मैं रख दी थी प्लांट को, तो पॉट भी मेरे खाली नहीं थे। देखिए, मैंने दो प्लांट बहुत सुंदर सा ये प्लांट लिया था फ्रेंड, बहुत ही अच्छा। देखिए ये ग्रीन और वाइट, देखिए कितने अच्छे से शेडेड बने हुए हैं इसमें डॉट्स, बहुत सारा इसमें, मतलब कि एक दो कलर का डिज़ाइन है अच्छे से पत्तों पर। और ये है देखिए, रेड पत्ता किनारे में रेड रेड है, और ये बहुत सुंदर सा प्लांट है। और ये बहुत ही अच्छा आपका इंडोर प्लांट है। आप इसे धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इसे ब्राइट लाइट में रख सकते हैं, अच्छे से ग्रोथ, मतलब अच्छी ग्रोथ होगी उसकी। और इसकी रिपोर्टिंग वेल्डन मिट्टी में ही तैयार करूँगी, तो आज मैं इसकी रिपोर्टिंग दिखाने वाली हूँ। बहुत सुंदर सा प्लांट है। आप इसको इसमें बहुत सारे कलर भी आते हैं, इसका लिपस्टिक रेड लिपस्टिक एग्लोनीमा भी आता है। तो अभी मैंने दो ही प्लांट ख़रीदा है, मुझे ये प्लांट 70 रुपीज़ करके पड़ा है, 70 रुपया करके दोनों। ये भी 70 का पड़ा है, ये भी 70 का पड़ा है। तो ऐसे तो थोड़ा बड़ा जैसे पॉट में, ये पॉली बैग में था ना, इस पॉली बैग में था इसलिए मुझे कम प्राइस मिला, और जैसे पॉट में था तो वो बहुत ज़्यादा महंगा था, 150 रुपये का था। तो मैंने पॉली बैग वाला ही लिया, बहुत ही हेल्दी प्लांट था। देखिए आपको दिख रहा होगा, और यहाँ से देखिए नए शूट्स भी निकले हैं, यहाँ से नई पत्तियाँ निकल रही है, आपको दिख रहा होगा। देखिए फ्रेंड, नई पत्तियाँ आपको दिख रही है, और इसमें भी देखिए अभी ग्रोथ हो रही है नई पत्तियों की। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये वाली देखिए, बहुत सुंदर सा। तो देखिए मिट्टी, काली मिट्टी में ही इसका रिपोर्टिंग किया, मतलब पॉली बैग में लगा हुआ है। तो रूट्स भी देखिए इसके बाहर निकल चुके हैं पॉली बैग से, और इसके भी रूट थोड़े बाहर निकल गए हैं। तो मेरे टेरिस पे रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसे रिपोर्टिंग कर लेती हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ इसकी रिपोर्टिंग किस तरीके के सॉइल में करती हूँ, वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, और देखिएगा मेरे साथ रिपोर्टिंग प्लांट की। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ एक, देखिए ये पतीला, और मैं देखिए 7 इंची का पॉट में लगाने वाली हूँ, बहुत सुंदर सा पॉट है। और इसके होल को कवर करने के लिए मैंने ये थर्मोकोल का यूज़ किया है, तो बहुत ही अच्छा होता है इसको, मतलब होल कवर इससे करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा ये रूट्स को हेल्दी बनाता है, और बहुत ही अच्छा एयर सर्कुलेशन इसमें जो होता है ना, बहुत ही अच्छा ये बना के रखता है। तो मैं हमेशा पॉट में इसी को देने का कोशिश करती हूँ, जब नहीं रहता है तब मैं इसमें लेती हूँ वो टुकड़े, गमले के टुकड़े, या फिर दीपक वगैरह होता है ना, दिया वगैरह, उससे मैं यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया है, देखिए मैं इसी से मापी करूँगी, और ये मेरा देखिए छोटा सा पॉट है, 10 इंच, मतलब कितना कहेंगे, 5 इंची का कहेंगे इसे। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिया है ये वर्मी कंपोस्ट, मेरे हाथ थोड़े गंदे हैं तो इसे इग्नोर करिएगा फ्रेंड, मिट्टी के काम में तो आपके हाथ गंदे होंगे ही, साफ हाथ रह नहीं सकता है इसलिए। तो देखिए मैंने इसी से लिया है, तो दिखाते रहूँगी मापी, क्या मापी है इसका। तो सबसे पहले मैंने एक देखिए वर्मी कंपोस्ट ले ली हूँ, और वर्मी कंपोस्ट के साथ मैं थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट खोल देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसमें लीफ कंपोस्ट मिलाने वाली हूँ, ऐसे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए इतना सा मैं खोल लेती हूँ, और मुझे याद नहीं था मुझे लीफ कंपोस्ट भी मिलाना है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है मेरे लीफ कंपोस्ट, आपको दिख रहा होगा। तो इसी से मैं लेने वाली हूँ लीफ कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट हरी पत्तियों वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे आप सकुलेंट प्लांट की रिपोर्टिंग करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा है। देखिए आधा मैंने इससे लीफ कंपोस्ट लिया है, और उसके बाद देखिए मैं ले लूँगी थोड़ा सा इसमें रेत, देखिए आधा आधा करके लिया ना मैं, अब मैं थोड़ा सा रेत ले लूँगी, क्योंकि मेरे पास पर लाइट नहीं है। तो मैं देखिए रेत का इसमें क्वांटिटी मैं एक रखूँगी, क्योंकि क्वांटिटी रेत का, रेतीली मिट्टी ही चाहिए इसे और वेल्डन सॉइल के लिए। देखिए मैं इसमें इतना ले रही हूँ, नीचे से ही पूरा गिर जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड, उसके साथ अब मैं लूँगी इसमें, देखिए ये है कोकोपीट, और कोकोपीट मैं लेने वाली हूँ बराबर बराबर मात्रा में, मैंने अच्छे से मापी किया है, और बहुत ही अच्छा ये मेरा
प्लांट के मिट्टी को मॉइस्चर बना कर रखिएगा। और हमेशा एग्लोनिमा प्लांट को मॉइस्चर होल्ड पसंद है और ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, क्योंकि ब्राइट लाइट में थोड़ा सा मॉइस्चर होल्ड करके रखे तो बहुत ही अच्छा होता है। देखिए मैंने एक इससे ले लिया है कोकोपीट, और देखिए फ्रेंड, और थोड़ा सा मैं गार्डन सॉइल लूँगी। तो देखिए फ्रेंड, इसी से मैंने गार्डन सॉइल ले लिया है, ये मेरी पुरानी मिट्टी ही है, और इसी को मैं अच्छे से सुखा करके रख लेती हूँ अपने गट्टे में बंद करके। वही मिट्टी मैंने लिया है इसमें, देखिए एक इससे ले लिया, और अब मैं इसमें लूँगी, ये देखिए ये है बोन मील। तो देखिए एक से दो मुट्ठी, क्योंकि दो प्लांट है मेरे, देखिए दो मुट्ठी के करीब मैं इसमें बोन मील ले ली हूँ। बोन मील हमेशा रिपोर्टिंग के समय देना होता है, क्योंकि अगर आप बोन मील देते हैं ना तो फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र है, ये प्लांट की ग्रोथ को अच्छा रखता है। और ब्राइट लाइट वाला रहने वाला प्लांट में बोन मील, ऐसे आप सभी प्लांट में बोन मील दे सकते हैं, बोन मील का बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। और उसके साथ देखिए मैं देने वाली हूँ कुछ DAP के दाने, देखिए फिर इतना सा मैं DAP के दाने दे दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाली हूँ। और ये है मेरा नीम खल्ली, तो दो मुट्ठी के करीब मैं इसमें नीम खल्ली भी दे दूँगी। देखिए देखिए, और उसके बाद देखिए मैं इसमें, ये देखिए फ्रेंड, ये है लकड़ी का राख, देखिए ये है लकड़ी का राख, और मैं फंगीसाइड के जगह पे इसी को दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। ये खाद का भी काम करता है और फंगीसाइड का भी काम करता है, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। मेरे पास फंगीसाइड अभी नहीं था तो मैंने सोचा मैं इसी का इस्तेमाल कर लेती हूँ। और ये है मेरा एप्सम सॉल्ट, देखिए ये है इस चम्मच से, मैं एक दो प्लांट है, दो चम्मच एप्सम सॉल्ट दे दूँगी। और उसके बाद बहुत ही अच्छा एप्सम सॉल्ट ग्रोथ को अच्छा करता है, पत्ते को ग्रीनरी बनाने में हेल्प करता है, और बहुत सुंदर है। इस तरीके से आप तो देखिए फ्रेंड, मैं मिट्टी में मिला ली हूँ, मिट्टी अगर मिला के दिखाती हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और इसमें मैं थोड़ा मिट्टी डाल लेती हूँ पहले, देखिए वेल्डन मिट्टी बनके तैयार हो गया है। अगर आपके पास परलाइट है तो आप परलाइट ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसमें एक सामान और ऑर्डर कर ये ले सकते हैं, जैसे कि ये थर्मोकोल होता है ना, आप इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से आप तोड़ करके ये बना लेंगे ना, देखिए ये आपका परलाइट का काम करेगा, देखिए एकदम लाइट वेट होती है, ऐसे करके आप दे सकते हैं। मैंने नहीं डाला अपने प्लांट में क्योंकि ये थर्मोकोल की कमी थी मेरे पास। इस तरीके से आप तोड़ तोड़ करके ऐसे परलाइट का काम कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ये हमारी मिट्टी को वेल्डन बना के रखता है। तो सबसे पहले मैं इस ग्रीन वाले प्लांट को निकालती हूँ, देखिए, और निकाल के दिखाती हूँ आपको पहले। तो देखिए फ्रेंड, मैंने दोनों को मिट्टी से निकाल दिया, और मिट्टी बहुत ही अच्छी है, देखिए मिट्टी इतनी अच्छी है, रूट इसके जैसे मैंने हाथ से उठाया ना, पानी मैंने सुबह दिया था, इसकी मिट्टी आप देख सकते हैं, मिट्टी एकदम रेतीली मिट्टी है, बालू वाली मिट्टी है, तो काली मिट्टी है लेकिन बालू वाली मिट्टी है, इसलिए मैं इसके रूट्स को कुछ नहीं करने वाली हूँ, बस सीधे से ही आपको दिखाती हूँ। ऐसे ही रख करके मैं इसकी रिपोर्टिंग कर दूँगी, थोड़ा सा मैं रख के देख लेती हूँ। और देखिए अच्छे से मैं इसमें मिट्टी डाल दूँगी, और फिर इसके बहुत ही अच्छा इसका ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सुंदर से ये आपके हेल्दी प्लांट चलेंगे। और इसको आप ब्राइट लाइट में रखें अच्छे से, देखिए इस तरीके से मैंने साइड से मिट्टी को डाल देती हूँ। अब बस देखिए इतना इतना, देखिए ऐसे मैं दिखाती हूँ, सॉरी आपको दिख नहीं रहा, यहाँ से देखिए देखिए इतना इतना मैंने पॉट को खाली रखा है ताकि पानी इसमें अच्छे से जा सके। और थोड़ा सा आप इस तरीके से सेट कर दें, ये खुद ब खुद मिट्टी बैठ जाएगा अंदर अच्छे से। और दूसरा भी मैंने इसी तरीके का पॉट लिया है एक जैसा, और होल कवर कर दिया है, और इसी तरीके से मैं इसमें मिट्टी डालूँगी। और अगर इस तरीके के सोयल आपके बच जाएँ, जैसे कि मेरे बच गए हैं, तो आप एडेनियम के प्लांट में आप इसे अच्छे से कर सकते हैं, डाल सकते हैं। इसके थोड़े से ऊपर से जो घास फूस हैं वो मैं इसको निकाल देती हूँ, देखिए ये इस तरह जो
जंगली पत्ते वगैरह रहते हैं ना उसे हटा देना चाहिए। और रूट्स देखिए, आपको रूट्स दिख रहा होगा ना प्लांट के ग्रोथ से बहुत, और यही एक प्लांट से आप कई सारे प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। तो मैं आगे आगे वीडियो में बताती रहूँगी कैसे कैसे मैं अपने प्लांट की रिपोर्टिंग आज मैं बताई। इसके आगे अब जब कभी भी मौका मिलेगा तो मैं इसका आपको ग्रोथ भी दिखाऊंगी फ्रेंड, और उसके साथ साथ देखिए इस तरीके से मैं अपडेट देते रहूँगी प्लांट की। और इसी तरीके से आप इसका रिपोर्टिंग कर सकते हैं सुंदर सा। अब बहुत ही अच्छा प्लांट है, पत्तों से खूबसूरत लगने वाला प्लांट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फूल वाले ही प्लांट लगाना चाहिए, पत्तों वाले प्लांट भी आप लगा सकते हैं। इंडोर प्लांट है बहुत सुंदर सा, और इसी तरीके से आप इसकी केयर भी करें अच्छे से, टाइम टू टाइम इसमें पानी दें, और पानी जब भी दें मिट्टी चेक करके दें, मिट्टी ऊपर की सूखी लगे ऐसे हटा के देख लेंगे, मिट्टी आपकी सूखी लगे तब इसमें आप पानी दें। तो देखिए फ्रेंड, अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ही डालूँगी। जब भी आप प्लांट की रिपोर्टिंग करें ना तो पानी आप पूरा नहीं डालें, क्योंकि थोड़ा सा मिट्टी अगर हम सूखा रखते हैं ना तो ऑक्सीजन भी अंदर जाता है और प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए होता है। पूरा मिट्टी सौगी सौगी कर देंगे तो फिर ये अंदर हवा नहीं जाएगा, पानी निकासी भी बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। तो देखिए मैं पानी थोड़ा सा डाली हूँ, थोड़ा पानी डाली हूँ, फिर मैं इसको बाद में पानी डाल दूँगी। इसमें भी मैं देख लीजिए आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालें और फिर आप बाद में इसको पानी डाल सकते हैं अच्छे से। देखिए इस तरीके से मैंने पानी डाला, धीरे धीरे ये पानी देखिए कितने जल्दी से ड्रेन आउट हो रहा है। तो इसी तरीके से आप इसकी रिपोर्टिंग करें, बहुत सुंदर सा प्लांट है। और मैंने भी अपने गार्डन में एग्लोनिमा लेके आई हूँ और इंडोर में इसे रखूँगी मैं, तो बहुत सुंदर। फिर मैं इसका अपडेट देते रहूँगी फ्रेंड। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको, और मैं अच्छी अच्छी वीडियो के साथ आती रहूँगी फ्रेंड। थैंक यू, ओके बाय।